हाई एवरी वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिस लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज दी ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हमें पता चलता है रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब्स रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू दी लोअर लेवल मैनेजमेंट रिलेशनशिप बिटवीन तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे डिटेल में वीडियो डाला हुआ है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द गुड साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ये पहला टाइप है जो बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री एंड डिपार्टमेंटल और स्केलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग मिलिट्री या डिपार्टमेंटल स्केलर टाइप भी बोलते हैं अंडर दिस सिस्टम लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये लाइन ऑफ अथॉरिटी आपका टॉप टू बॉटम फ्लो करता है ठीक है इसको वर्टिकल लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कहते हैं जहां पे टॉप से बॉटम की थ्रू आपका फ्लो होता है देन चेन ऑफ कमांड इज फॉलो एंड सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्लेन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड वर्कर ठीक है ये इसका फ्रेमवर्क है जहाँ पे टॉप लेवल पे जनरल मैनेजर है उनके अंदर तीन मैनेजर है आप चाहो चाहो तो ऐड कर सकते हो मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर फिनेंस मैनेजर आप और भी ऐड कर सकते हो एचआर मैनेजर देन प्रोडक्शन मैनेजर देन प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर फोरमैन और वर्कमैन आता है फोरमैन दैट मीन सुपरवाइजर जो वर्कर से काम करवाता है ठीक है और वर्कमैन यहाँ पे वर्कर हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका कमांड है वो आपको टॉप टू बॉटम आएगा ठीक तो to है to okay? तो ये टॉप टू बॉटम की वर्टिकल वे में टॉप टू बॉटम ओके तो वर्टिकली और यहाँ पे फ्लो होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इट इज सिंप पर सिंप्लिसिटी इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है इसको समझना और इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली भी नहीं होता है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स है क्विक डिसीजन यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी होता है सिंगल पावर होता है तो क्विकली डिसीजन लेने में हेल्पफुल है ये एंड हैविंग यूनिफाइड कंट्रोल गुड कंट्रोल है एंड सिंपल टू ऑपरेट डिसएडवाटेज है आपका लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे स्किल या एक्सपर्ट पे फोकस नहीं किया जाता है स्पेशलाइजेशन एरिया पे फोकस नहीं किया जाता है दैट इज लैकिंग हिस्टर एंड नॉट सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉर्स ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है ठीक है तो ये आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है नेक्स्ट आपका टाइप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हम अनदर वीडियो में देखेंगे थैंक यू